वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील, हमारे साथ मौजूद है तमाम विरसा फिल्म की टीम। और जवाब, मैं चाहूंगा कि सुबह को थोड़ी सी सुरीली सुबह बनाएं। हम गाने तो हम रिकॉर्डेड तो देख रहे हैं, कुछ गाना मैं चाह रहा हूं। हमारे खास मेहमान आए हैं अक्रॉस द बॉर्डर से, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। तो कमल जी जी हैं, विक्रम जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ डेडिकेट करें इन्हें। अच्छा, बल्कि मैं वो फिर वो गाना सुनाता हूं जो कमलजीत साहब जब शूट कर रहे थे फिल्म, तो उस वक्त ये नहीं था फिल्म के अंदर। विक्रम वांटेड दिस सॉन्ग, मैंने ओरिजिनली आई मेड इट फॉर माय एल्बम, माय अपकमिंग एल्बम, लेकिन उन्होंने कहा जी आई वांट दिस सॉन्ग, जवाब भी आई वांट दिस सॉन्ग। मैंने कहा अच्छा, तो मैं फिर दिया इस फिल्म के अंदर। तो वो अभी आपने उसका गाना भी देखा है, मतलब वीडियो देखा, वो मैं गाता हूँ और साथ साथ क्लैप करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी कोशिश करेंगे, हम ना कोशिश करेंगे। यादा सीने नल लाइया, आसा दिल च समाइया, यादा सीने नल लाइया, आसा दिल च समाइया, बैठी रावा विच देवा मैं दुहाइया, वे रुतां प्यार दियां आइया, मार सुटे आ जुदाइया, रब्बा यार मिला दे सोनिया। अच्छा डॉक्टर साहब से हमने थोड़ी सी शायरी भी सुनी है, लेकिन विक्रम पहले मैं आपसे पूछूंगा, एज ए प्रोड्यूसर ऑब्वियसली आप इतना डीपली इन्वॉल्व रहे हैं इस मूवी में इन तमाम आर्टिस्ट के साथ, जैसे सुंदर से पहले कहा था, मैं चाहूंगा कि कोई फनी इंसिडेंट, कोई ऐसा अनहोनी चीज जरा नरेट करें जो प्रोडक्शन के दौरान आपने देखी हो, मैरीन की हो, नौमी भाई की हो, कमलजीत, मतलब यू नो कोई भी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कोई चीज आपको बहुत फनी लगी हो। लंबी लिस्ट है उसमें बहुत सारी फनी चीजें, मेन वाली चीज उठा ले। मैंने काफी से फनी से ज्यादा बड़ी अम्यूजिंग सी चीजें हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। First day of the shoot, actually, when we started, it was quite, we just had taken a brand new camera which was launched in the market and we were shooting the movie. First shot liya, uske baad camera was off for almost like 10 hours. The whole day got wasted. You know, some strange things were happening with us throughout the shoot. Achha, Mukavil ji, mujhe ye bataiye, how many kids do you have, mashallah se? Do ladke hain mere. Achha, kitne bade hain wo? एक 19 का है, एक 15 का। और उनमें से किसी में आपको नजर आ रहा है एक्टिंग के अंदर आने का, शोबिज़ के अंदर? एक्टिंग किसी में, बड़ा वाला लड़का डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, वो शेखर कपूर के साथ है। ओके ओके। डॉक्टर साहब कोई अच्छा सा कोई कलाम सुना दे, कोई ताजा अपना। वाह भाई, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। सर अमेरिका में मुझे याद है हम रात को शो के बाद बैठ के आपका वो पंजाबी में आपकी नज़में सुना देते थे। एक छोटे दो तीन शेर सुना देते, एक पोएम है जो काफी लोगों को पसंद है, बचपन की यादें, उसमें ठंडरी यादें उसका अनुमान है। अच्छा वो पंजाबी जी गल करनी पई, है ही पंजाबी, सारे आँदी है, ठीक है। निक्की हुंदियां बनाए सी महल जड़े, निक्की हुंदियां बनाए सी महल जड़े, अज मुड़ के बनाउण नूं जी करदा, जिहड़ी गली च सजणां तों विछड़े सी उत्थे फेरा लाउण नूं जी करदा। और एक शेर बताऊं आपको, कलम पता नहीं पता उसका कि फटी क्या होती है। मैं कलम बनावा काने दी, मैं गाची लावा फटी ते, मैं कलम बनावा काने दी, मैं गाची लावा फटी ते, मेरा बैठ के डेस्क पुरानी ते गल बस्ता पाउण नूं जी। मुझे बताएं कि सेंसर बोर्ड की पॉलिसी के हवाले से प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, कोई ज्यादा कोई लड़ना लड़ना तो नहीं पड़ा? मैं नहाई थी, मतलब खुशी से हुए बताता हूँ ये बात, के पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जिस तरह उन्होंने इतना ज्यादा प्यार किया इस फिल्म के हवाले से, कोई प्रेसिडेंट नहीं था के को प्रोडक्शन को किस तरह लिया जाएगा। कोई कह रहा था जी इम्पोर्टेड फिल्म है, इसको तो बड़ा टैक्स लगेगा 65%। कोई कह रहा था जी ये तो इसका तो किस तरह इसको हम सेंसर करेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे, हाँ ये किस कैटेगरी में डालेंगे। तो आपको पता है उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मैं उनके सेक्रेटरी को बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इस फिल्म को लोकल फिल्म की तरह सेंसर किया है, क्योंकि प्रोड्यूसर चूंकि मैं हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, फिर डॉक्टर मौला खान साहब जो है ये यूएसए से, विक्रम जो है वो इंडिया से, लेकिन चूंकि ये फिल्म उन्होंने कहा मैं रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे प्रोड्यूसर, तो ये हमने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये मैं लोगों को बताता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इतनी सपोर्टिव है हमारे साथ इस फिल्म में, और सेंसर बोर्ड इतना सपोर्टिव है, और मजे की बात है कि जो वाइस चेयरमैन है खालिद भट्ट साहब सेंसर बोर्ड के, उन्होंने कहा यार जवाद साहब मैं बड़े अरसे तो बाद इतनी जबरदस्त फिल्म देखी है,
ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਮ ਸਭ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕਮ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੇ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਾ ਤੋ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬਰਡਸ ਕੋ ਦਾਣਾ ਡਾਲਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਸ਼ ਕਾ ਸੱਤਾ ਮਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆਪ ਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ ਆਪ ਪੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਾ ਅਬ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਲ ਯੂ ਨਾਓ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੀ Okay. And that again is an India Pakistan collaboration that goes without saying. With Jawad and Dr. Manu? Yes, of course. Okay. That goes without saying. You see, since last so many years that I've been coming, the whole idea and the concept about our technology and your creativity is what we've been trying to build since 2004. Like taking your songs over there and placing them in Bollywood movies, or at the same time, you know, taking your singers, making them sing somebody else's song. We're trying to do all that. I want to say that because this is a very simple thing. If you want to listen to this, you will come back to your language. Urdu. 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 कि हम इंडिया और पाकिस्तान को किस तरह से कल्चरली हम साथ में उनको इकट्ठा करते हैं ठीक है ना क्योंकि यहाँ पे जो टैलेंट है हमारे पास वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको जब कोलैबोरेट करते हैं तो इट रियली कम समथिंग लाइक अ विरसा हैपेंस Okay, or something like other videos that we have done in the past. हमारी फिल्में बना करती थी yeah, मतलब इंडिया पाकिस्तान exactly. और कितनी जबरदस्त वो मूवीज आज भी जो है वो हमारा एसेट है पुरानी फिल्में जो है absolutely. तो just, we just want to encourage people you know to come to India do productions over there You know, we want to take people from your talent, सारे लोगों को लेके talent को हम वहाँ पे ले जाए writers को लेके जाए यहाँ के actors को लेके जाए और हम साथ में फिल्में बनाएं ताकि interaction across the border ज़्यादा से अब थोड़ा सा wind up की तरफ चलेंगे और पहले डॉक्टर साहब क्योंकि आप senior most हैं सिर्फ मैं age की बात कर रहा हूँ वैसे तो दिल में तो आप सबसे young हैं दिल के आप सबसे young हैं तो सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे बहुत से लोग इस वक्त पूरी पब्लिक आपको देख रही है What message would you like to give? भाई मेरा तो भी शुरू से मैसेज यही रहा है कि पीस हाउ टू लिव आपके कैसे मिलजुल के रहें खासतौर से दो जो हैं नेबर हैं अगर वो आपस में ना मिल के ना रहेंगे तो लाइफ विल बी मिजरेबल सो कास्ट क्रीड को साइड पे रखें अब मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को सुधारें हर एक इंडिविजुअल चाहिए कह के मैं ये चाहता हूँ और दूसरे को जज ना करें अब जजमेंटल ना हो किसको ये नहीं कहें कि वो अच्छा है बुरा है क्या है जो है वो खुद अपने आप कमल जी जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज तो बहुत खूबसूरत इन्होंने दिया है लेकिन हमारा इतना मिलता जुलता कल्चर है कि दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं तो अडेप्ट करना पड़ता है उनके खाने से उनके कपड़े पहन हमको तो कोई नहीं कुछ नहीं करना पड़ता मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगता कि मुझे अलग कपड़ा पहनना पड़ेगा या अलग खाने का टेस्ट होगा या कुछ खाने के टेस्ट वही शायरी है वही पोएट्री है वही दिल है तो क्या प्रॉब्लम क्या है क्या बात नुमान भाई कुछ कहना चाहेंगे बिल्कुल सही अपने दिल से किया है और ये कीपिंग विरासत कीपिंग अ हेरिटेज इन माइंड द टू कंट्रीज बेसिकली शेयरिंग समथिंग विच इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल जरूर जाके देखिएगा एंड अप्रिशिएट वेयर वी कम फ्रॉम मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं कि हम कोशिश करें कि दोनों मुल्क इकट्ठे होके बहुत और काम करें दैट्स ऑल ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट इस तरह हुआ था मैं बताना चाहूंगा कि रोशन ने मुझे दिया एक फिल्म बनानी है विक्रम फिल्म बनाना चाहते थे मैं आपने मिलाया में तो हमने जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में स्पेशली इस मैसेज को इसका लिया जाएगा ये प्यार और मोहब्बत का मैसेज है ये ब्रदरहुड का मैसेज है ये अमन का मैसेज है और साथ ये फिल्म जो है इतनी अच्छी है इसका म्यूजिक इतना अच्छा है कि एक दफा जो लोग आगे देख लेंगे इसको मुझे यकीन है कि वो स्प्रेड आउट करेंगे बार बार आएंगे और हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं पूरी फिल्म के साथ है और इन्होंने बहुत मेरे ख्याल में मेहनत की है जो नजर आ रही है वाकई में सो स्टे ट्यून्ड की सामने कर रही मैंने भी एक मैसेज अच्छा जी थैंक यू सो मच और हमारी नेक तमन्नाएं फिल्म के साथ है बिल्कुल हम चाहते हैं इस तरह की गोइंग टू इंचेस हो नाश्ता नीचे इंतजार कर रहा कुछ हुए फिफ्थ फ्लोर तक आना शुरू हो चुका है जोर नाश्ते में अपना बहुत थैंक यू वेरी मच आप सबको
पर इन्हों निभा बड़ा औखा काम।